चुके हूँ। वेलकम बैक टू माई चैनल। कैसे हो आप सभी? आई होप आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। आज की डेट है 21 जनवरी 2024। कल है राम भगवान जी के प्राण प्रतिष्ठा, तो कल दिवाली है। और अभी का व्लॉग मैंने अभी से स्टार्ट कर लिया है इवनिंग टाइम से। अभी 6:30 बजने वाले हैं, तो मैं जा रही हूँ किचन में। देखते हैं कि अब रात के खाने में क्या बनना है, समझ नहीं आ रहा है। पहले पाव भाजी का प्लान कर रही थी मैं, बट अभी कुछ सामान जो है कुछ सामान नहीं है, तो मैंने इनको बोला था लाने के लिए। अभी ये तो है नहीं, तो देखते हैं। लेकिन कुछ खाना पीना तो बनाना ही पड़ेगा उसके साथ साथ, तो चलो बनाते हैं। भाभी अपना काम कर रही है। हाँ, क्या है ये हर्षी? क्या है क्या है ये? टोपी तो पापा की टोपी। पापा की टोपी। चलो मिलते थोड़ी देर में। क्या है ये? पापा की टोपी। अरे वाह, रामराज। ये तो टोपी लगा ली। बोलो जय श्री राम। जल्दी बोलो। जय श्री राम। और जोर से। जय श्री राम। और जोर से। जय श्री राम। और जोर से। और जोर से। जोर से, धीरे से नहीं, जोर से। और जय श्री राम। जय श्री राम। हाथ जोड़ के बोलो। ऐसे हाथ जोड़ के बोलो, जय श्री राम। जय श्री राम। ऐसे करो, ऐसे। जय श्री राम। तो दोस्तों, यहाँ मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ मिक्स वेज की रेसिपी। बहुत सिंपल तरीके से मैंने बनाई थी। सारी तैयारी मैंने यहाँ पे कर ली है। उसमें कढ़ाई में रख दिया है मैंने ऑयल गर्म होने के लिए। उसके बाद मैंने यहाँ पे आलू गोभी और जो सेम होती है उसको मैंने यहाँ पे फ्राई कर लूँगी हल्का सा सॉफ्ट होने तक। उसके बाद सेम कढ़ाई में वही ऑयल है, उसी में मैंने जीरा और तेज पत्ते डाल दिए और उसमें प्याज, हरी मिर्ची और लहसुन भी ऐड कर दिया। इसको बस हल्का सा हम भून लेंगे। उसके बाद इसमें मैं टमाटर ऐड कर दूंगी और टमाटर को नमक डाल के थोड़ा सा सॉफ्ट होने तक पका लेंगे। इसके बाद हम इसमें बेसिक से मसाले ऐड करेंगे, जैसे कि वही हल्दी पाउडर, लाल मिर्ची पाउडर और धनिया पाउडर। आप टमाटर कट करने की जगह प्यूरी बना के भी ऐड कर सकते हैं, बट मैंने कट करके बारीक बारीक डाल दिए थे, तो वो जैसे आप सॉल्ट इसमें ऐड करते हैं ना, तो वो जल्दी से सॉफ्ट हो जाते हैं। तो यहाँ पे थोड़ा सा मिर्ची मैं ज़्यादा क्वांटिटी में ऐड कर रही हूँ, ये ज़्यादा तीखी नहीं है। और फिर जब गाजर ऐड करती ना, तो सब्ज़ी में थोड़ा सा मीठापन आ जाता है, तो उसी को बैलेंस करने के लिए मिर्ची थोड़ी सी मैं ज़्यादा क्वांटिटी में ऐड कर रही हूँ। आप अपने अकॉर्डिंग ऐड कर सकते हैं। और इसको पानी डाल के मसाले को थोड़ा सा हम भून लेंगे। उसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे गाजर, शिमला मिर्ची। इनको मैंने फ्राई नहीं किया था क्योंकि ये तो बहुत जल्दी सॉफ्ट हो जाते हैं, तो बस इसको मैं ऐसे ही ऐड कर दूंगी, गाजर, शिमला मिर्ची और मटर। और जो हमने सब्जियां फ्राई करके रखी हैं, गोभी, आलू, सेम, उसको भी हम ऐड कर देंगे। इसमें आप पनीर भी ऐड कर सकते हो। पनीर सबसे लास्ट में ऐड करना जब सब्जी पक जाएगी। तो बस यहाँ पे सॉल्ट ऐड कर देंगे टेस्ट के अकॉर्डिंग और अच्छे से मिक्स कर देंगे मसाले के साथ। और थोड़ा सा पानी ऐड कर दूँगी इसमें और ढक करके हम सारी सब्जियों को सॉफ्ट होने तक पका लेंगे। तो कुछ इस तरह से मैंने मिक्स वेज बनाया था। आप लोग कैसे बनाते हैं कमेंट करके बताइएगा। बहुत टेस्टी लगता है और इस बहाने सारी सब्जियां भी खाने में आ जाती हैं। और विंटर्स में तो ये सारी सब्जी आती ना, तो एक दो बार ही बन जाता है। मुझे आलू, गाजर, मटर की सब्जी या मिक्स वेज बहुत ज़्यादा पसंद है। बस इसको ढक के हम पका लेंगे। आप कलर देख सकते हैं कितना प्यारा ही है। यहाँ पे सब्जी पक चुकी है। लास्ट में इसमें कसूरी मेथी ऐड कर दूँगी, थोड़ा सा गर्म मसाला ऐड कर देंगे और धनिया पत्ती ऐड कर देंगे बस। और ये सब्जी बनके तैयार है। इसको आप दाल के साथ या किसी भी सब्जी के साथ में बनाओ, बहुत टेस्टी लगती है। और ऐसे भी खा जाओ पराठे पूरी के साथ, तो ये और भी ज़्यादा टेस्टी लगती है। तो मेरी तो फेवरेट है मिक्स वेज और आलू गाजर मटर की सब्जी। आप लोग बताना विंटर्स में आपकी कौन सी सब्जी फेवरेट है। संभाल लेने के लिए
तो दोस्तों अचानक से इनका फ़ोन आया कि मैंने इनको सामान सारा मतलब व्हाट्सएप पे सेंड कर दिया था कि ये लेके आना। फिर ये बोले कि तुम ही चलो साथ में, दो और जो भी याद आ जाए वो भी ले आना। तो फिर मैं उनके साथ में आ गई हूँ, बच्चों को नहीं बताया क्योंकि सर्दी बहुत है बाहर बच्चों के लिए, तो फिर मैं अकेली ही आ गई। तो अभी हम लोग सुपरमार्केट आए हैं कुछ घर के सामान लेने के लिए। अभी हम आए हैं सुपरमार्केट शॉपिंग करने के लिए। लेना तो और भी सामान था लेकिन अभी रात ज़्यादा हो गई है और जो यहाँ पे मिल सकता था वो तो यहाँ से ले लिया, जो बाहर से लेना था वो हमें मिला ही नहीं। चलो गाड़ी लगी पीछे। दो किटकैट दे देना, छोटी वाली दे दो, हाँ दस वाली दे दो, दस वाली ये लो पैसे अपने। ओके अभी हम लोग मतलब मेन मार्केट डबरा के अंदर एंटर नहीं हुए थे, ये हम लोग मतलब हमारे घर के पास ही में ही मार्केट था, वहीं से हम सामान लेके आ गए क्योंकि सर्दी बहुत थी और ये बाहर से आ रहे थे। तो फिर मैंने इनको बोला कि आप परेशान नहीं हो, सीधा घर चलो, हम बाद में मंगा लेंगे बाकी। जमी जमी आइसक्रीम जमी चलेगी तुम्हारी जब भी कोई बाहर से आता है तो दूध के लिए हम पहले ही बोल देते हैं, तो बस यहाँ पे 2 लीटर ये हम दूध लेके आए हैं और इसको गर्म करके रख देंगे। और बच्चों के लिए कुछ नहीं, बस किटकैट लेके आए क्योंकि जो कोई भी बाहर जाता है बच्चों के लिए आता ही आता है दिन भर में, तो बस मैं उनको एक एक चॉकलेट दे दूँगी हर्ष को और अमृता को। और अमृता यहाँ पर मेरे से शिकायत कर रही है किसी की, तो वो बहुत सीरियस है और गुस्सा भी है, तो बस मैंने उसको चॉकलेट देके मनाया जैसे भी। उसके बाद मैंने कोई भी ब्लॉगिंग नहीं की क्योंकि मेरा बहुत ज़्यादा मूड खराब था आके। पहले हमने डिनर कर लिया था सब लोगों ने, यहाँ पे मटर खाए, उसके बाद फिर कुछ ऐसा हुआ कि फिर मेरा बहुत ज़्यादा मूड ख़राब हो गया था। रात का समय है, 10:30-11 बज रहे हैं और ये अभी इस रूम में नहीं है, ये बाहर बात कर रहे हैं क्योंकि मेरा बहुत ज़्यादा मूड ख़राब हो गया है किसी बात को लेकर के। अब आप लोग बताएगा कि किस बात को लेकर हो सकता है। अगर मेरा मन किया तो मैं नेक्स्ट व्लॉग में आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी कि मेरे साथ क्या हुआ था, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि अब जो कुछ भी होगा मैं आपके साथ ज़रूर ज़रूर शेयर करूँगी। तो आप लोग बता सकते हैं गैस कर सकते हैं कि यहाँ पे क्या बात हुई होगी। तो मैं यहाँ पे बहुत ज़्यादा इमोशनल थी, रो रही थी और बस अभी मिलती हूँ नेक्स्ट डे में। आप सभी को हैप्पी दिवाली, आज है 22 जनवरी, सबको याद होगा बहुत अच्छे से, जय श्री राम। और आज आप अभी सुबह के 10:30 बज रहे हैं और मॉर्निंग व्यू देख लीजिए आप हमारे यहाँ का, इतनी ज़्यादा ठंड है कुछ भी नहीं दिख रहा, आज भी बहुत ज़्यादा फॉग है। मैं ऊपर आई थी लाल मिट्टी लेने के लिए क्योंकि मुझे लिपाई करनी है। रात गई, रात की सारी बातों को भुला करके मैं सुबह फिर से अपने सारे कामों में लग गई हूँ क्योंकि आज भगवान श्री राम जी की प्राण प्रतिष्ठा है और हर घर में आज हम दिवाली मनाने वाले हैं, तो उसी के लिए मैं यहाँ पे सुबह उठ करके बस चाय पी ली थी, उसके बाद में मैं यहाँ पे कामों में लग गई हूँ जो मुझे करने हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले बाहर लिपाई कर रही हूँ मैं और सर्दी आप देख सकते हैं, तो मैंने बस हमारे यहाँ पे उड़ैन डालना बोलते हैं इसको, लीपना, जो कि कच्चे घरों में इसको लीपा जाता था, ग्यूरू बोलते हैं इसको, लाल मिट्टी और जो सफ़ेद रंग की जो होती है ना चूना मिट्टी, उससे लीप करके उसके बाद घर के सारे काम करवाए मैंने भाभी के साथ मिलके। और फिर अभी आई हूँ मैं मंदिर क्योंकि आज मंडे भी है और हर मंडे मैं माता रानी के दर्शन करने आती हूँ, तो बस एक लोटा जल, कुमकुम, हल्दी, चावल, ये सारी चीज़ें लेके आती हूँ।
अगरबत्ती लेके आती हूँ उनके लिए, भोग लगाने के लिए लेके आती हूँ। बस यहाँ पे आके माता रानी का मैं पूजन करूँगी और उनकी आरती करूँगी। उसके बाद यहाँ पे भोले बाबा भी हैं, हनुमान जी भी हैं, तो सभी के दर्शन करूँगी, भोले बाबा को जल चढ़ाऊँगी और इसके बाद फिर मैं वापस घर जाऊँगी। और मैं बिना चप्पल के आती हूँ। यहाँ पे जो पानी डला हुआ है ना, इतना ठंडा पानी लग रहा था पैरों में, ये ऐसा लग रहा था कि मैं बर्फ़ के ऊपर खड़ी हूँ इस टाइम पे। तो बस यहाँ पे अच्छे से पूजा अर्चना करने के बाद मैं जाऊँगी घर। और आप लोग सोचेंगे कि मेरे वीडियो कौन बना रहा था, तो मैं अपने साथ लेके आई थी अमृता को, क्योंकि अमृता की अभी छुट्टी थी स्कूल की, संडे और मंडे दोनों ही दिन। ये पैरों में एक तो पैर ठंडे, ऊपर से मेरे को कंकड़ चुभ रहे हैं पैरों में, सर्दी बहुत ज़्यादा है मम्मी। तो भाभी लगी हुई थी खाना पीना में, मैंने घर की पूजा की। उसके बाद फिर मैंने, ये आफ्टरनून की क्लिप है, तो मैं यहाँ पे एक छोटी सी रंगोली बना रही हूँ। जैसे हम दिवाली मनाते हैं, मेरा मन बहुत कुछ करने का था, बहुत कुछ करने का, लेकिन जितना मैंने सोचा था उतना मैं कुछ भी नहीं कर पाई। ठीक है, जितना श्रद्धा भाव से मैंने किया उतना काफ़ी है। और बस यहाँ पर मैंने रंगोली बनाई और थोड़ा बहुत मैंने मंदिर को, तो मैंने एक दिन पहले ही क्लीन कर लिया था, बाकी की सारी चीज़ें करने के बाद। तो अभी मैंने यहाँ पे साड़ी वेयर कर ली है, और क्योंकि सुबह नहीं हो पाता, सुबह इतने सारे काम होते हैं, जल्दी जल्दी सारे काम करने होते हैं, और घर पे सभी लोग हैं अभी, मतलब मम्मी भी हैं, सब लोग हैं, और कोई गेस्ट भी आए हुए हैं, तो वो भी रुके हुए हैं हमारे यहाँ पे 7 से 8 दिन से। तो उन सबको खाना पीना ये सब में हो गया मेरे को टाइम। तो हम लोगों ने सोचा था कि हम लोग अपना साउंड सिस्टम वगैरह लगाएंगे, कुछ गाएंगे बजाएंगे, आप लोगों के साथ भी शेयर करेंगे। मैं लाइव भी आने वाली थी यूट्यूब चैनल पे, लेकिन कहते हैं ना, जितना आप सोचते हो उतना हो नहीं पाता है। तो बस तैयार होने के बाद फिर आज वो हुआ जो मैंने नहीं सोचा था। तो अगर आप बोलेंगे तो मैं ज़रूर शेयर करूँगी। इतना शुभ दिन था, इतनी खुशी थी अंदर, इतना उत्साह था। और ये भी बेचारे मार्केट गए, सारा सामान लेके आए जो कुछ भी मैंने मंगाया था, और ये सब कुछ करने के बाद भी ना, तो मैं आपको नहीं बता सकती इस तरह से। तो बस अभी मैं यहाँ पे तैयार हो गई थी, फिर कुछ ऐसा हुआ कि फिर सब कुछ फेल हो गया। फिर रात के समय मैं दवाई लेने के लिए बाहर निकली, तो इन्होंने बोला कि चलो मंदिर चलते हैं। तो फिर हम मंदिर के लिए निकल आए, और मैं जा रही हूँ बालाजी मंदिर। आप हमारे शहर की डेकोरेशन देख सकते हैं, पटाखे जल रहे हैं बाहर, क्योंकि सब लोग दिवाली सेलिब्रेट कर रहे हैं। ये महादिवाली महापर्व हो गया है, 22 तारीख सबको याद रहेगी कि 22 तारीख को प्रभु श्री राम जी की प्राण प्रतिष्ठा हुई थी। और यहाँ पर देखो जगह जगह भंडारे चल रहे हैं, और हर शहर ऐसे ही जगमगाया है, पूरा भारत हमारा ऐसे ही जगमगाया है। और भगवान श्री राम कहीं गए नहीं थे, वो तो हमारे रोम रोम में हैं और हमारे दिल में थे, दिल में हैं, हमेशा दिल में रहेंगे। और बस ये तो हमें दिवाली, दूसरी दिवाली मनाने का एक और सौभाग्य प्राप्त हुआ। तो बस अभी ये देख सकते हैं आप, पूरा शहर कितने अच्छे से जगमगा है, जगह जगह प्रोग्राम चल रहे थे। तो मैं पहुँच चुकी हूँ मंदिर, बालाजी मंदिर। ये थोड़ी हमारे घर से मतलब दूरी पर है, थोड़े क्या बहुत दूरी पे है, और सर्दी बहुत ज़्यादा थी बाहर, तो अचानक से आने का प्लान हो गया। कहते हैं ना कि आप मन में जो सोच लेते हो भगवान उसे पूरा करते हैं। मेरा बहुत अच्छे से सब कुछ करने का मन था, लेकिन नहीं हो पाया। तो बस यहाँ पे देखो, और मैं कितने सही टाइम पे आई हूँ, मतलब जब आपने देखा ना, सब सारे श्रद्धालु दर्शन करके चले गए होंगे, बस इस टाइम पे कुछ ही बचे थे, क्योंकि सर्दी बहुत है, कुछ मतलब इस टाइम पे ज़्यादा लोग नहीं थे, मंदिर के सभी लोग थे जो ये दीपक जलाने का काम कर रहे थे, एक गिनती के दीपक थे, और यहाँ पे सब लोग दीपक लगा रहे थे, पूरे मंदिर को जगमगाया जा रहा था। तो ये सौभाग्य मुझे प्राप्त हुआ, मुझे इतनी ज़्यादा खुशी हुई ना, दिल से मैं आपको बता नहीं सकती हूँ, कि मैंने जो सोचा था ना, वो सब कुछ मेरा यहाँ पे आके पूरा हो गया। मैंने अपने हाथों से दीपक जलाए भी, लगाए भी, और इतना अच्छा लगा ना, मैं सारी चीज़ों को भूल गई फिर एक बार। मैं बस हर चीज़ को भूलना चाहती हूँ, लेकिन पता नहीं क्यों मेरे साथ बार बार वही सारी चीज़ें रिपीट होती हैं। और बहुत जल्द मैं आपके साथ शेयर करूँगी सारी चीज़ें। तो ये देख सकते हैं मंदिर कितना ही सुंदर लग रहा है, यहाँ पे प्रभु श्री राम
जी माता सीता के साथ। यहाँ पे मैंने दर्शन किए, माथा टेका अपना, और पूरा मंदिर में अभी आपको दिखाती हूँ, घुमाती हूँ। उसके बाद मैंने यहाँ से दवाई ली अपने लिए, और दवाई लेने के बाद ये मैं आपको बाहर का दिखा रही हूँ। हम घर के पास आ चुके हैं, बस मंदिर से सीधा वापस आए, दवाई ली और सीधा हम घर गए। जो चीज़ें मुझे दिन में करनी थी फिर मैंने रात को की। 8:30 बजे का टाइम हो रहा था, मैंने भगवान श्री राम जी की स्थापना की और दीपक जलाया, राम जोत जलाई और 5 दिए जो कि जलाने थे वो जलाए, भगवान जी को भोग लगाया, फूल माला पहनाई, सारा सामान सुबह ही ले आए थे। फिर मैंने घर में दीपक लगाए और कुछ इस तरह से फिर मैंने सारी चीज़ें की। और आप लोग बताइएगा कि आपको व्लॉग कैसा लगा, क्या समझ में आया, कमेंट करके बताना। मेरे चैनल पे गिव अवे चल रहा है, आप लोग पार्टिसिपेट कर सकते हैं अगर आपका मन करे तो। बहुत जल्दी मैं अपने विनर्स अनाउंस कर दूंगी। और मन नहीं था बिल्कुल भी ब्लॉगिंग करने का, लेकिन मुझे ये सब करना था, मन से करना था, अपने दिल से करना था, तो फिर मैंने छोटे ही रूप में सही मैंने सब कुछ किया जो मैं करना चाहती थी। और शायद मेरा खुद का अपना घर होता तो मैं इससे कई गुना भी करती। तो बस यहाँ पे भी मैं मंदिर में आप देख सकते कितना सुंदर लग रहा है, रौनक लगी है। और ये सब करने के बाद फिर मैंने कपड़े चेंज किए और खाना खाया। मैंने सुबह से कुछ भी नहीं खाया था, आपको बताया ना, चाय पी थी। चाय पीने के बाद मैंने सोचा था कि मैं पूजा पाठ करने के बाद, भगवान जी की स्थापना करने के बाद खाना खाऊंगी, लेकिन फिर कुछ ऐसा हुआ कि फिर मैंने दिन का खाना खाया ही नहीं। ये रात को डिनर करने के बाद मैं अभी अपनी दवाई ले रही हूँ। इस व्लॉग का एंड कर देते हैं, पसंद आए तो प्लीज़ लाइक से सब्सक्राइब कर लेना, इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लेना, आईडी इंडियन यूट्यूबर शौरांचली है। मिलेंगे नए व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।